हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी आलूओं को लेकर के फ्रेंच फ्राई। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बड़े आलू। इसे मैंने लंबे लंबे स्टाइल में काट लिए हैं। आलू के लिए मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लावर, ये मैंने लिए है 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, ये है काला नमक, ये है चाट मसाला और ये है सफ़ेद नमक। इसके लिए पहले मैं आलूओं को मैंने 3-4 पानी से धो लिया है। अब मैं इसे इसमें मैं रख के अच्छी तरह से आलूओं को मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से आलूओं को मैंने 3-4 बार अच्छे तरह से पानी से साफ कर लिया है। अब मैं इसे कपड़े में रख के इस तरह से सुखा लूँगी। आलू हमारे सूख चुके हैं। मैंने तेज आंच पर कढ़ाई को रख दिया है तेल गर्म होने के लिए और इसे तैयार कर लूंगी। तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं आलूओं में मिश्रण डाल लूंगी। इसे मैं मिला लूंगी। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसके बाद इसे मैं छानूंगी और बाकी सभी मसालों को मैं बाद में मिलाऊंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी आलूओं को। एक बार इसे हमें आधे कच्चे में निकाल लेना है, बाद में फिर से इसे डालूंगी। मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है, फिर दोबारा हमें इसे फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आलू बहुत ही क्रिस्पी निकले हैं। इसमें अब मैं मिलाऊंगी काला नमक, ये है चाट मसाला,
आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, मिलाऊंगी। फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।